वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड दिस इज योर होस्ट आकाश ऑन हाई ऑन स्पीड। और आज अब हम लोग जा रहे हैं टू द माउंटेंस। कहाँ जा रहे हैं वो तो आगे जाके पता चलेगा आपको। फिलहाल मैंने ध्रुवो के साथ में अपना गोप्रो एक्सचेंज किया। मेरा ग्रुपों में कुछ दिक्कत आ रहा था लेकिन व्लॉग करना था आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो यार व्लॉग थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं, मतलब कैमरा। अभी मैं बेहाला में हूँ, ये अजंता सिनेमा हॉल के यहाँ पे कोई चाय वाला दुकान था, वहाँ पे चाय वाय पीने आए थे, तो जा रहे हैं। ध्रुवो आया है मेरे को सी ऑफ करने। ध्रुवो इज ओवर देयर, से हाय। तो लेट्स गो, लेट्स रोल। सो क्या है ना गाइज, मैं अभी ना थोड़ा हलो जा रहा हूँ, और अभी जस्ट मैंने रिफ्यूल किया 368 का, 383 हाँ ऐसा कुछ लगा मेरे को, बिकॉज मेरे में थोड़ा ऑयल बचा हुआ था पहले का, जो कि मैटर नहीं करता एक टाइप से आप बोल सकते हो कि मैंने फ्यूल करा लिया था, और बाकी सब चंगा सी है। सो गाइस राइट नाउ हम लोग अभी विद्यासागर सेतु क्रॉस कर रहे हैं, और गाइस आज मैं एक्साइटेड हूँ सच में, क्योंकि इतने दिनों बाद मैं राइड पर निकला हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। इट फील्स गुड टू बी बैक ऑन रोड एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स मैं अभी भी खुश हूँ और मैं इस राइड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड विशेस जो भी मेरे फेलो व्यूअर्स हैं। मैं वीडियो कम डालता हूँ, आई नो मैं वीडियो थोड़ा कम डालता हूँ, रीज़न बीइंग बहुत सारे हैं, मेरे को दूसरे काम भी रहते हैं। मैं फुल टाइम यूट्यूब अभी चूज़ किया नहीं है, मैंने करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो अगर आप मेरे वीडियोस को देख के मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली यार ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो अच्छा नहीं होगा तो देखना ही पड़ेगा, मेरे को सजेस्ट करो कि क्या गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग मेरे को कहते हो कि यार बहुत मतलब लेंदी होता है आपका वीडियो। मैं थोड़ा डालता हूँ यार लेंदी, क्योंकि मैं मेरा जो कहने का है ना, आज के डेट पे यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत चलते हैं, शॉर्ट वीडियोस मतलब छोटे छोटे व्लॉग्स बहुत चलते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फ़िलहाल के लिए तो मैं शॉर्ट्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को ये लेंदी वीडियोस के साथ अलग ही कनेक्शन है सिंस मेरे दिल्ली कोलकाता वाला ट्रिप के बाद से, तो मैं प्रेफर यही करता हूँ मतलब बोले तो दैट्स व्हाई आई एम स्टिकिंग टू दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो आगे चलते हैं ना, शुभजीत वेट कर रहा है। क्या हाल चाल गाइस, जो जैसे ही आप कैलकाटा से निकलोगे ना, आप जैसे आप साउथ से आ रहे हो, मैं साउथ से आ रहा हूँ, तो कोना एक्सप्रेस नाम का एक हाईवे है जो आपको मेन दिल्ली या बॉम्बे रोड से कनेक्ट करता है, तो क्या है कि उसके बाद आपको वहाँ से तो उसके बाद देख रहे हो कैसा जाम बसा हुआ है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। हाँ तो आपको बस इतना करना है कि आके डानकुनी की तरफ आना है, और वहाँ से आप NH2 के बगैर मतलब जो आसानसोल एक्सप्रेस वे है वो मत पकड़ना, क्योंकि मैंने सुना है रास्ता ख़राब है वहाँ पे, तो आपको पकड़ना है जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको ओल्ड दिल्ली एक्सप्रेस वे वाया मायापुर, ठीक है। दिस गाइड इज़ ओनली फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के लोगों को शायद मेरे से ज़्यादा पता है ना। और गाइस बस जा रहा हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट पैच है क्योंकि रास्ता अच्छा है, और यू कैन लिटरली पुल इन दिस पैच। सो अभी हम लोगों ने चाय वाय पिया, मेरा जो साथी है वो आ चुका है, इधर शुभजीत और इज रेस XP, और हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द माउंटेन्स, लेट्स गो। वर्धमान 87 किलोमीटर्स, सो वी हैव कम। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी, फिर वहाँ से कहाँ जाना है वो डिसाइड नहीं किया है, फिलहाल तो दार्जिलिंग का प्लान है, तो दार्जिलिंग टी पीना है और न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके अलावा वी आर गोइंग। एंड अगर ये वॉइस अगर अच्छा आ रहा है, अ बिग थैंक्स टू योर ब्लॉगर डी AKA ध्रुवो, माई बेस्टी, माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, जिन्होंने मुझे अपना कैमरा दिया विदाउट एनी कंडीशंस ऑब्वियसली, बट रियली यार
आई एम रियली लविंग इट। मैंने अभी चेक किया ऑडियो, ऑडियो ठीक आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा आ रहा होगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो एक टिप है उन लोगों के लिए जो ये रूट पहली बार कर रहे होंगे या फिर करना चाहते हैं, ये जो मायापुर वाला रूट है सो फार बेटर है। मैं बर्धन वाला रूट से गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे जितने मित्र हैं ना सारे मेरे को ये चीज़ बोलते हैं कि ये रूट इज़ फार फार बेटर दैन दैट रूट। तो ज़रूर कुछ होगा उस साइड पर। और वैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये जो रूट है ना अगर आप रात के टाइम कवर कर सकते हो, रात रात में मतलब 11 के बाद अगर कवर कर सकते हो टिल 5-6 इन द मॉर्निंग इफ इट्स विंटर, तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं तो ट्रैफिक बहुत गंदा होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब गंदा बोले तो मतलब थोड़ा ड्राइविंग थोड़ा इधर उधर आप जान सकते हो ना, कंट्री रोड्स में जैसे आपका ड्राइविंग होता है उसी टाइप का होता है, और बाकी सब तो बराबर है। अभी भी हम लोग उसी रास्ते पर हैं, लेकिन एक चीज़ है जो बढ़िया काम कर रहा है इस ठंड में, मैं ग्लव्स पहनने ही भूल गया था, हीटेड ग्रिप्स देख सकते हो, ऑन करके रखा है मैंने हाईएस्ट सेटिंग पे, और इतना प्यारा प्यारा ठंडा आ रहा है ना पहाड़ों में। सही में यार ये सब चीज़ें जो भी इन्वेंट किया है ना, सोच समझ के इन्वेंट किया है कि हाँ भाई इस टाइम में ज़रूरत पड़ेगी। खैर यार बढ़िया चल रहा है, और अगर आपको चाहिए हीटेड ग्रिप्स तो मैं जो शॉप से लिया है उसका मैं नंबर दे दूँगा, कॉल कर सकते हो आप इनकेस इफ़ यू वॉन्ट। सो गाइस कृष्णनगर और मायापुर आने से पहले एक जगह आता है कालना, तो कालना अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो इनफैक्ट अगर आप क्रॉस कर रहे हो कालना करते हो एक्चुअली, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो गाइस मेरे सामने जो आ रहा है ये है गौरांग सेतु ऑफ मायापुर, एके द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस फॉर द हरे कृष्ण मूवमेंट, दोज ऑफ यू इन केस डिडंट नो, एंड दिस इज़ गौरांग सेतु। यहाँ से जो मायापुर का जो मंदिर है उसका जो टोम है ना, मतलब जो सीलिंग है वो दिखता है। अभी तो खैर कोहरा कोहरा हो रहा है, नहीं तो मेरे को हमेशा यहाँ से जब भी आता हूँ दिखता है, मेरे को प्रॉपर क्लियर दिखता है। यहाँ पे मेरे को तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, कोहरा है बहुत, कोई नहीं। सो वी हैव क्रॉस्ड मायापुर सक्सेसफुली, नाउ टुवर्ड्स कृष्णनगर एंड टुवर्ड्स फारक्का। कृष्णनगर वाला जो मेन हाईवे है, जैसे आप क्रॉस करोगे, ये रास्ता 6 महीने पहले भी बन रहा था, 6-7 महीने पहले, आज भी ये रास्ता बन रहा है। आपको याद होगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आना, क्योंकि ट्रक और बसेस जो है आपको चाप सकते हैं, और लास्ट में मेरे को थोड़ा पैर में चोट आई थी, ठीक है ना, तो स्ट्रेन आ गया था, तो थोड़ा संभल के आना आप, ऐसा धूल मिट्टी वाला है, बरसात के टाइम आओगे तो मतलब ख़त्म, ग्रिप का एकदम हो जाता है। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट ये वाला पैच थोड़ा डिफिकल्ट पैच है, डिफिकल्ट बोले तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब चैलेंजिंग है थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि यार थोड़ा सेफली चलाना ज़रूरी है ना। तो गाइस अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यार देखो 8 बज रहे, 8:20 हो रहे अभी, ठीक है, और हम लोग ब्रह्मपुर से बस 60-65 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने थोड़ा रुक जाओ ब्रह्मपुर जाके खाते, क्योंकि क्या है ना एक बार आप बैठ जाते हो ना फिर आपको चलाने का मन नहीं करेगा, ठीक है ना। ये कोई टोल प्लाजा आया है, अब पता नहीं कौन सा टोल है, ये टोल हम मेरे को याद है यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम भी क्रॉस किया था, और मेरे को तब भी मेरे को कन्फ्यूजन था कि कौन सा टोल है ये टोल। चलिए कृष्णनगर ब्रह्मपुर का हाईवे है, अच्छा वो वाला टोल है, तो आप समझ लीजिए ब्रह्मपुर इस
चलते हैं। सो गाइस अभी क्या हुआ, हम लोगों ने अभी फ्यूल अप किया, मैंने 40 किलोमीटर चलाया अप्रॉक्सीमेटली फिर रिजर्व पे फ्यूल एम्प्टी पे, और अभी 25 किलोमीटर और है बरमपुर के लिए। जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं यार। सो गाइस वन गुड न्यूज़, हम लोग टाइम से पहले ही पहुंचने वाले हैं बरमपुर। वी आर अप्रोचिंग बरमपुर, घुस गए अंदर, बस सिटी में घुसना बाकी है, मतलब सिटी के बाहर बाहर से ही लेके जाएगा। अब बस ब्रेकफास्ट करना है, भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, बस यार यही है। पहले पानी पीएंगे, अब चाय नहीं पीएंगे, पानी पीना है अब, थोड़ा डिहाइड्रेशन नहीं तो हो जाएगा। मेरा हाइड्रेशन बैग भी तो नहीं लाया ना मैं, क्योंकि वो फट गया था ब्लैडर, तो उसी की वजह से। वेलकम टू बरमपुर गाइस, वेलकम वेलकम। और अभी भी 384 किलोमीटर है यहाँ से सिलीगुड़ी, तो कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। हम लोग टाइम पे चल रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद बोलूँगा, टाइम पे एकदम, नो लेट नथिंग। अभी हम देख रहे थे फील्ड में कुछ काम चल रहा है, मतलब परेड चल रहा है, विच लुक्स गुड, अमेजिंग यार। तो आई लव बरमपुर वाला सीन साइन है। सो टू वर्क